नमस्कार, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज एक दिवसीय प्रवास पर जांजगीर चांपा जिले के ग्राम जगमहन पहुंचे। ग्राम जगमहन चंद्रपुर विधानसभा के कांग्रेसी विधायक राजकुमार यादव का गृह ग्राम है। राजकुमार यादव के पिता का स्वर्गवास हो गया था और आज उनके यहां दश गात्र कार्यक्रम और श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, जिसमें शामिल होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ग्राम जगमहन पहुंचे थे। श्रद्धांजलि सभा समाप्त होने के बाद भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए किसानों का कर्ज माफ करने की बात कही। किसानों के लिए माफ किए हैं राहुल जी ने, जो हमें निर्देश दिया था कि 10 दिन के अंदर में किसानों का कर्ज माफ करें, तो हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। और इसमें जो किसान रेगुलर लोन लिए थे उनका भी, जो डिफॉल्टर है उनका भी, साथ ही जो कोऑपरेटिव बैंक से और ग्रामीण बैंक से जो लोन लिए थे उसे तो माफ किए हैं, लेकिन जो नेशनलाइज बैंक है उसमें क्रॉप लोन है उसको हम लोग अलग कटवा रहे हैं और उसका भी लोन हम लोग माफ करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भूमि पुत्र लाइव न्यूज़।